स्कूटर्स पेज और हम इस समय खड़े हैं वाराणसी के बस स्टैंड पे। और आपको बता दें कि ये जो लाइन में बैठे हैं ये कहीं भर्ती से नहीं आए हैं, ये दूर दराज से लोग आए हुए हैं। इनको कहीं से पता चला है कि बस जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और दूर दूर से आकर बनारस में लोग फंसे हुए हैं, कोई बच्चा लेकर फंसा हुआ है, कोई मरीज लेकर फंसा हुआ। ऐसे में जिला प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर आए और सभी लोगों को एक लाइन में बैठा दिया। ये सभी लोग अपने घर को जाने के लिए बेबस हैं, कोई मजदूरी करता है तो कोई अपने ऑफिस के काम के लिए आकर फंस गया था। आइए हम बात करते हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो काफ़ी समय से बनारस में रहते थे, लेकिन मजबूरी ऐसी आ गई कि उनको घर जाना पड़ रहा है। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो लिख रहे हैं कि इनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं और ये पूरे परिवार है और घर ये जाने के लिए परेशान है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जितेंद्र जी, कहाँ जाएंगे और बनारस में क्या करने आए थे? गोलगप्पे का धंधा करता था, झांसी जाने का है। झांसी जाने का है, तो कैसे जाएंगे झांसी? क्या करें बताऊँ, क्या बता सकता हूँ, कैसे जाऊँगा। आप कुछ देर पहले उस जगह पे थे, सुरक्षित जगह पे थे, लेकिन आपको आकर के खुले आसमान पे आकर बैठ गए हैं, तो कैसे पता चला कि यहाँ से बस जा रही है? सब लोग आए हैं तो हमने की तो हम भी चलते हैं, और क्या बताऊँ। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि इनको जैसे पता चला कि अफवाह में भी रहे। आइए एक लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका ऋचा, आपके पास ये बच्ची लेकर आई हुई है, बहुत मुसीबत में है, तो कैसे आप अपने घर जाएंगी? कैसे जाएंगे? बस से जाएंगे। बस से जाएंगे तो बस तो अभी जाएगा नहीं 14 अप्रैल तक, तो फिर कैसे आप लोग रहेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे? तो खाने के लिए कुछ नहीं है तो घर तो जाना ही पड़ेगा। आपके पास छोटा सा बच्चा भी है, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको खाना भी चाहिए और रहने के लिए भी जगह भी चाहिए, तो इस समय आपको कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में कैसे आप रहेंगे? राशन पानी भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो पैसे नहीं है तो आप घर पे तो जाएंगे, यहाँ तो बैठे बैठे कैसे खाएंगे? तो आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि राशन पता ही नहीं है तो घर पे जाना ही पड़ेगा। बहुत मुश्किल में हैं ये लोग, और इनकी मजबूरी इतनी है कि ये अब लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि इनको अभी 14 अप्रैल तक अपने घर में, अपने ज़िले में, अपने ब्लॉक में ही रहना है। तो आप ये देख रहे हैं कि कितने लंबी लंबी लाइन लगी हुई हैं, और यहाँ पे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, सबको एक एक फुट की, एक एक मीटर की दूरी पे लाइन लगवा कर बैठने की कह रहे हैं। लेकिन इसमें समस्या अब ये आ रही है कि अभी तक कहीं ना कहीं कोई सी बस को जाने के लिए भी इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है कि बैठे हैं, आस में लगे हैं, इनकी इच्छा पूरी हो सकती है। अब तो यही देखना है कि क्या हो सकता है, लेकिन आला लोग अभी, कुछ लोग रास्ते में हैं, तो कुछ न कुछ प्रशासन करेगी। तो आप देखते रहिए रिपोर्टर स्पेस। नमस्कार।